जिहाद या इस तरह का लव जिहाद जैसा कानपुर में, या ये डिजिटल जिहाद देवी देवताओं के खिलाफ, इस डिजिटल जिहाद या अपमान के जिहाद के खिलाफ फतवा क्यों नहीं लाया जाता? लाना चाहिए ना कादरी साहब। देखिए साहब, सबसे पहले तो यह है कि लास्ट डिबेट में आप मुझे ये कह रहे थे कि यहाँ पर हमारा संविधान इजाजत देता है कि जो जिस धर्म पर चलना चाहे चल सकता है, और यहाँ पर कोई इंसान पर धर्म की पाबंदी नहीं है, वो जिधर चाहे टर्न हो सकता है। तो वो जब लड़की वहां की रूबी खान जो है जब पूजा की थी, तो तब ये कानून आप सुना रहे थे। अब अगर आज एक लड़की अपना धर्म परिवर्तन करके अगर वो किसी लड़के से शादी करती है तो उसको लव जिहाद का नाम नहीं देना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति को पूरा पूरा अधिकार है कि वो किसी भी धर्म को अपना सकती है और किसी से भी शादी कर सकती है। संबीत पात्रा जी अभी अभी मतलब जो हिंदू बनकर, अगर हिंदू बनकर हिंदू बहनों को फंसाया जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं है, नाम बदलकर हिंदू बनकर फंसाया जाए तो कोई बुराई नहीं है उसमें। बात की गई तो किन हालात में कंपनसेशन देने की है, वो पूरी आयत की तफसील पढ़िए आप, उसके बाद कुरान की आयत को कोट कीजिए। अधर अधर आप बात करने की कोशिश करके मुसलमानों को और इस्लाम को टारगेट करने की कोशिश ना करें। अली कादरी साहब, सवाल तो सुन लीजिए। सवाल मेरा यह है कि क्या राम मंदिर से दिक्कत है? क्या राम मंदिर के खुन्नस निकाल रहे हैं हिंदू देवी देवताओं पर ये लोग? दिक्कत क्या है साहब? किसी भी देवी देवता के बारे में बोलने के लिए ना इस्लाम सिखाता है, ना हम बोलने वाले की ताईद करते हैं। और वो जो हिंदू लड़की ने जो टिश्यू पेपर की तरह की जो बात की है, उसकी कड़ी निंदा की जाती है। हर धर्म का आदर किया जाना चाहिए, और अगर कोई ऐसा करता है तो उसको पुलिस सजा देना चाहिए। हीर खान, जो हीर खान की तरफ से गाली गलौज और अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया देवी देवताओं के लिए? ना ना, देखिए कोई खान भी जो है देवी देवताओं के बारे में बोले तो हम उसकी ताईद नहीं करेंगे, क्योंकि हर धर्म का आदर है और कानूनन होना चाहिए, सब संविधान के हिसाब से सजा होनी चाहिए, है ना? हमारे प्रॉफिट मोहम्मद है, किसी के मुतालिक भी गलत भाषा का प्रयोग क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए उसके खिलाफ में? केस बुक होना चाहिए, बेंगलुरु तो नहीं होना चाहिए ना? बेंगलुरु दंगे वंगे तो नहीं होने चाहिए? कमलेश तिवारी तो नहीं होना चाहिए? शार्ली अब्दो तो नहीं होना चाहिए? केस होना चाहिए, है ना? एक बात आपको मैं क्लियर करना चाहूंगा अमन, आप ये बात को समझ लीजिए कि हम प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में बहुत सेंसिटिव है, और अगर उनकी शान में किसी किस्म की कोई गुस्ताखी होगी तो हम उसको खतई नहीं बख्शेंगे। अच्छा यहाँ, अच्छा मतलब के बारे में सारी सेंसिटिविटी एक धर्म में, दूसरे धर्म में कुछ होगा तो वहां केस होगा, आपके बारे में कुछ ऐसा कुछ कहा गया तो फिर आतंकी हमला होगा? ना ना, आतंकी हमला, देखिए यहाँ पर हिंदू कट्टरवादी भी है, मुसलमान कट्टरवादी भी है। अगर आप इस्लामिक टेररिज्म कहेंगे तो फिर वहां पर हिंदू टेररिज्म भी कहा जाना पड़ेगा। नहीं, मैं समझे नहीं, मैं एक मिनट, मेरे को क्लैरिटी नहीं हो पा रही, मतलब मेरे को आपके हिपोक्रेसी नजर आ रही है, डबल स्टैंडर्ड। आराम से मेरा सवाल सुनिएगा। आपने कहा हीर खान की तरफ से जो देवी देवताओं को लेकर गाली गलौज या अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया, उसमें केस होना चाहिए, कानूनन गिरफ्तारी होनी चाहिए संवैधानिक तरीके से, ठीक? ठीक कहा मैंने? बिल्कुल होना चाहिए। तो नवीन के मामले में बेंगलोर को जला दिया था? हाँ बिल्कुल, आप अगर वक्त पर एक्शन लिए होते तो रोड लोगों पर सड़कों पर लोग। अच्छा, वक्त पर एक्शन नहीं होगा तो आतंकी हमला या दंगे कराए जा सकते हैं, तो उसमें बुराई नहीं है? आपका मतलब आपका इस्लाम ये कहता है कि अगर कानूनन कार्रवाई नहीं हुई तो दंगे जायज हैं? कानूनन कार्रवाई नहीं हुई तो दंगे जायज है? कानून अगर वक्त पर अपना काम करेगा तो लोग सड़कों पर उतरेंगे क्यों, और अगर नहीं करेगा तो हम तो आतंकी हमला और दंगा? हम एहतजाज करेंगे, और इंतजार आपके इंतजार में नहीं हुआ तो? इंतजार नहीं करे तो एक मिनट ना, अभी एक मिनट ना, अभी सहिष्णुता का पाठ पढ़ाने वाले हैं, बताइए ना, अगर नहीं हुआ एफआईआर, नहीं हुई कार्रवाई तो क्या करेंगे? दंगा? हम एहतजाज करेंगे, जो संविधान हमें हक दिया है हम उसका इस्तेमाल करेंगे। तो संविधान का इस्तेमाल किया था बेंगलुरु में, कमलेश तिवारी में संविधान का इंतजार किया गया था जब गला काट दिया गया था, बेंगलुरु में जब दंगे किए गए थे नवीन के मामले में, नवीन के पोस्ट का कोई जिक्र करता है वो गलत था, उन्होंने ऐसे ही पोस्ट का जवाब दिया था।
आपको पता है ऐसी पोस्ट का जवाब दिया गया था। अब अगर इस पोस्ट पर हीर खान पर अगर कोई जवाब दे दे तो बेंगलुरु हो जाएगा। जो उन्होंने पोस्ट किया वो भी गलत, ये भी गलत। यही मेरे को आपको समझाने का मेरा मतलब था कादरी साहब कि संविधान दोनों जगह डबल स्टैंडर्ड्स नहीं हो सकते। समित पात्रा जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं आ रहा हूँ, उसके बाद विनोद बंसल जी और आचार्य अंकुर मैं आपके पास आ रहा हूँ। मतलब आप मगर ये एक माइंडसेट है, ये चिड़ जरूर है किंतु ये माइंडसेट शुरू से था। मैं एक उदाहरण देता हूं, 1920 में एक किताब लिखा आर्य समाज ने और उस किताब का नाम था रंगीला रसूल। ये किताब इसलिए लिखा गया क्योंकि उस समय के कुछ इस्लामिस्ट थे जिन्होंने एक पैम्पलेट बांटा जिसमें मां सीता के लिए भद्दी टिप्पणियां की गई 1920 में, तो उसके बदले में एक किताब लिखा गया। उस किताब के ऊपर फतवा जारी हुआ और जो पब्लिशर था, पब्लिशर का नाम था महाशय राजपाल, उसका गर्दन काट के उनको मार दिया गया अक्टूबर 1929 में, जबकि वो कोर्ट से एक्विट हो गए थे, अंग्रेजी कोर्ट से एक्विट हो गए थे, 1929 में मार दिया गया। तो ये एक माइंडसेट है। तस्लीमा नसरीन को गला काटने की धमकी, सलमान रुश्दी को धमकी, कमलेश तिवारी को मार देना, उसी प्रकार से आपने नवीन, एक दलित युवक नवीन ने जो ट्वीट किया था बेंगलुरु में, उसके बाद कांग्रेस के ही विधायक के घर को फूंक देना, ये एक माइंडसेट है और इसी प्रकार से ये माइंडसेट काम करती है। आचार्य अंकुर, ये क्या धैर्य की परीक्षा लेने की कोशिश की जाती है क्या? हमेशा कहा जाता है कि सहिष्णु बनिए, सहनशील बनिए, गंगा जमनी तहजीब का लेक्चर दिया जाता है, अब वो वन साइडेड होगा क्या? अमन भाई धन्यवाद। सबसे पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि हम इसको गंगा जमनी ना कहकर के गंगा जमजमी तहजीब कहें तो ज्यादा बेहतर होगा। और वो कादरी साहब ने यहां बता भी दिया है कि इन लोगों का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, इन्होंने साफ स्पष्ट यहां पे बैठकर आपके साहब के सामने कह दिया है कि भाई हमारे जो सेंटीमेंट्स हैं इनको लेकर के बहुत ज्यादा हैं और हम वो करेंगे जो हमारे मन में आएगा। अगर आप समय से पुलिस नहीं भेजेंगे तो हम वो करेंगे जो उन्होंने बैंगलोर में करके दिखाया है। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि जो आपने सुष्मिता का केस अभी बताया है मुझे, 1875 में महर्षि देवदयानंद सरस्वती जी ने सत्यार प्रकाश बुक लिखी थी और उसमें सभी दिगर जितने भी मजहब थे सभी की समीक्षा उन्होंने की थी और कंपेरेटिव स्टडी करते हुए उन्होंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं और सभी की समीक्षा भी की है, लेकिन कभी भी किसी भी बुक का उन्होंने अपमान नहीं किया और ना ही कभी उन्होंने कहा कि किसी को फाड़ करके फेंको या कुछ भी करो। अगर आपको उसमें कहीं भी कोई कमी लग रही है तो आप उसके बारे में बात कीजिए, हमारे यहां तो ओपन स्टेजेस हैं, आप वहां करके बात तो कीजिए। आप उस सनातन के बारे में बात कर रहे हैं जो कहता है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, तो आप यदि आप हमें सिखाएंगे कि महिलाओं का सम्मान और अपमान क्या होता है, जहां व्यक्ति एक पुरुष भी महिलाओं का इतना सम्मान करता है, देवतुल्य उसको मानता है, उसको आप समझाएंगे? और रही बात जहां तक कि हीर खान की और इतने बहुत सारे और भी बहुत सारे लोग हैं जो सोशल मीडिया पटा हुआ है, ये तो आज एक हीर खान पकड़ी गई है, इनको डर नहीं लगता है, इनको इनको किस बात का डर है? देखिए आप कानून का डर नहीं, FIR का डर, संविधान का डर, आप खुद बताइए कि कमलेश तिवारी जी की भी हत्या हुई है, निर्मम हत्या हुई है और उसका वो वीडियो बनाना चाहते थे और गर्दन काट के हाथ में लेना चाहते थे। आपको भी पता है कि जिस प्रकार से ISIS का जो पूरा का पूरा मॉड्यूल है, जो सिस्टम है, उसके तहत वो भारतवर्ष में इस काम को करना चाहते थे और लखनऊ में यूपी की जो राजधानी है उसमें वो करना चाहते थे। और आप बताइए कि उस केस में क्या हुआ है अभी तक? उसके लिए इनके बड़े बड़े संस्थान आ चुके हैं, वो वहां पे वकील भी प्रोवाइड करेंगे, पैसा प्रोवाइड करेंगे और ये सारे के सारे जितने इनके सिस्टम है जिनको कहा जाता है कि मजहबी तौर पर जो एक मजहब के ढांचे बनाए हुए हैं, ये सारे के सारे सपोर्ट करते हैं इन सबको। इसलिए इसमें जड़ में जाने की जरूरत है अमन भाई, कि हमें यह देखना होगा कि जब हमारा भारतवर्ष आजाद हुआ उस समय पर हमको पंथ निरपेक्षता का धर्म निरपेक्ष बना करके पढ़ाया गया है और जितने भी हमारी आजकल के युवा हैं वो सारे के सारे आज क्या समझते हैं, किस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। आपने बहुत अच्छा कहा कि कॉमेडियंस जो बीच में ले लिया उनका नाम, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है इन सभी चीजों को कि पंथ निरपेक्षता जिसको कि धर्म निरपेक्ष बता करके हम सबको परोसा जा रहा है, ऐसे बता करके कि पंथ निरपेक्षता का अर्थ क्या है, हिंदू विरोध, और पंथ निरपेक्षता का अर्थ क्या है, सापेक्ष दूसरी सरकार जिसका कानून है शरिया। तो ये क्या सेकुलर हो जाता है अनुराग, नहीं मतलब, है। मतलब ये उसके बाद मैं विनोद बंसल साहब आपके नहीं पास है, नहीं है, मैं वही तो समझना चाह रहा हूं, मतलब ये सेकुलर हो जाता है। आप लोगों को भी गुस्सा नवीन पर बहुत आता है, 51 लाख समाजवादी पार्टी के मेरे ख्याल से पूर्व नेता थे जिन्होंने 51 लाख सर कलम करने वाली, जब ये कहा था कि जो सर कलम करके लाएगा 51 लाख रुपए दूंगा, ये 70 साल तक हमारे किताबों में पढ़ाया गया था। अरे धिक्कार हो, पहले खुद जागो, ये जो धतूरा चटाया गया है ना गांधी परिवार द्वारा, एंटोनियो माइनो एंड कंपनी द्वारा, तो ये धतूरा नेहरू के समय से, नेहरू के समय से धतूरा चटाया गया है, उस धतूरे के बेहोशी से बाहर हो गया। मतलब आचार्य अंकुर, ये हिंदू राष्ट्र है, मतलब हिंदू राष्ट्र है ये, और यहां हिंदू देवी देवताओं के अपमान से लेकर गाली से लेकर सब कुछ होता है और ये हिंदू राष्ट्र है, ये हिंदू राष्ट्र है। अमन जी, अगर ये हिंदू राष्ट्र होता तो छवि थोड़ी दूसरी होती, ये स्टोरी थोड़ी अलग होती।
अभी आजकल जो आप देखते हैं छोटी छोटी बातों के ऊपर शहर जला दिया जाता है, लोगों को घरों में घुस करके मार देता है, वो भी निर्ममता के साथ मारा जाता है। आपने भी लव जिहाद की जो बात की है, ये मैं चाहता हूं आप दिखाएं भी, और मैं चाहता हूं कि इसका लिंक भी मैं आपको दूं और आप इसको ट्वीट के माध्यम से लोगों को पहुंचाएं। ये हमने 309 पेज की पूरी एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें हमने अभी कादरी साहब कह रहे थे कि ये सब झूठ है, इसकी जानकारी होनी चाहिए, इसकी रिसर्च होनी चाहिए, ये सारे वो सारे के सारे रिपोर्ट्स हैं जो हमने न्यूज़पेपर से लिंक से ली हैं। ये सारी वो चीजें हैं जो आपने अभी तक की, मतलब पिछले 10 साल से हम खोज करके लेके आए, जिसमें सैकड़ों ऐसे केसेस हैं जो आपको बताएंगे कि कहां कहां पे कौन कौन सा लव जिहाद हुआ है। अभी मैं एक पाकिस्तान का वीडियो देख रहा था जिसमें बता रहे थे वो लोग कि हमने किस प्रकार से बंटवारे के बाद में देखा है कि भारत के अंदर डेमोग्राफी चेंज हुआ है, वहां पे जो है इनकी जनसंख्या किस तरीके से बढ़ रही है, ये फास्टेस्ट ग्रोइंग बताते हैं। मैं कहता हूं ये फास्टेस्ट ग्रोइंग नहीं बल्कि फास्टेस्ट ब्रीडिंग कल्ट बन चुका है। यहां पर इनकी ब्रीडिंग जो है बहुत तेजी से हो रही है, और आगे क्या कहते हैं वो कहते हैं कि लव जिहाद की जो माध्यम है उससे वहां के मुसलमानों ने बहुत स्पीड से वहां की लड़कियों को कन्वर्ट करके ला रहे हैं। अभी आपने कानपुर का एक वो दिखाया, जब दोनों के बीच में प्यार है तो कन्वर्जन का क्या काम है? आप ये बताइए कि कन्वर्जन का क्या काम है? एक्चुअली इस्लाम की ये विचारधारा है कि कोई भी लड़की या कोई भी लड़का यदि किसी मुस्लिम से शादी करेगा तो जब तक कन्वर्ट नहीं होगा, जब तक वो इस्लाम को कबूल नहीं करेगा, उसकी शादी मान्य ही नहीं होगी। इसलिए ये प्यार नहीं है, ये जिहाद है, और ये भारत को तोड़ने का एक बहुत बड़ा प्लान है जो पिछले 70 साल से कंटिन्यू चल रहा है। मैं सरकार से गुजारिश करता हूँ इस पर सख्त से सख्त कानून बने, नहीं तो हम आने वाले समय में बहुत गंदी छवि देखने वाले हैं। ठीक है, जहाँ प्यार है वहाँ धर्मांतरण की क्या जगह? ये प्यार नहीं, ये कट्टरता है, लव जिहाद का मामला है। एनआईए की चार्जशीट में है, केरल से